हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की अतरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। जब हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला होता है तो हमें लगता है कुछ अच्छा और स्टाइलिश स्वादिष्ट खिलाया जाए, जो कि अच्छा लगे, टेस्टी भी हो और देखने में भी अच्छा लगे। तो कुछ ऐसी ही चीज़ मैं आज शेयर करने जा रही हूँ, तो उसका नाम बता देती हूँ। उसका नाम है नेट रोल। तो जैसे आपने ब्रेड रोल या और तरह के भी रोल्स खाए होंगे, तो ये है नेट रोल। तो चलिए, इसके लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये है करीब 300 ग्राम आलू, इसको मैं उबालूंगी और उसके बाद मैश करना है। ये है हरी कटी हुई मिर्च, ये थोड़ा सा धनिया है, एक छोटी चम्मच सादा नमक, कुटी हुई काली मिर्च है, ये है एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, ये है एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये है छोटे से प्याज का आधा लिया हमने और बहुत बारीक नहीं काटा है, इस तरह से काटा है चार टुकड़े करके, और ये है तीन बड़ा चम्मच बेसन, और ये है सेवई। तो ये लंबी वाली सेवई है, बारीक वाली, उसको हमने ये तोड़ करके टुकड़े टुकड़े करके रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सब सामग्रियों से ये चीज़ मैं बनाऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए आलू उबालना होगा, तो उबाल देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये पैन गरम कर लिया है, इसमें दो बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, जीरा के चटक जाने के बाद मैं ये डालूँगी कटी हुई हरी मिर्च, और ये है थोड़ा सा प्याज। तो पहले मैं ये डाल दूंगी क्योंकि इसके बीज उड़ते हैं। बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, काला नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी करना है। उसके बाद ये मैं आलू डाल दूंगी स्मैश किए हुए। बस ये देखिए, बीज उड़ते हैं हरी मिर्च के। तो अब मैं ये डाल दे रही हूँ आलू। इसी के साथ जाएगा ये लाल मिर्च जाएगी, आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है, मैं भी थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि बहुत तीखी मिर्च है ये। एक छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है, सादा नमक, अपने हिसाब से आप डालें। अब इसको थोड़ा सा भुनने देती हूँ, 5-6 मिनट मैं इसको और भुनूंगी अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी लास्ट में ये आमचूर पाउडर, कोई भी गुठली हो तो उसको आप तोड़ दें, और ये काली मिर्च दरदरा, ये भी डाल रही हूँ। चलिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसको ठंडा होने देते हैं और तब तक इसका बैटर तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक आलू ठंडा होता है तब तक मैं इसका बैटर बना लेती हूँ। बैटर में हमेशा आप चाट मसाला डालें, और चाट मसाला अगर नहीं है तो ये चीज़ें डालें जो मैंने अभी डाली है, जैसे कि काली मिर्च और आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप डालें। ये देखिए, जो मैंने बचाया था वो ये इसमें डाल रही हूँ मैं। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं, और बैटर हमें बहुत थिक कंसिस्टेंसी में बनाना है। ना बहुत पतला हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो,
जैसे हम चीले के लिए बनाते हैं उतनी ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा फेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं, बस ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दूसरी पैन हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है, थोड़ा सा और भी मैं डाल दूंगी, तेल कम है तो थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं। डीप फ्राई करना है तो थोड़ा सा अच्छे से तेल होना चाहिए। और ये देखिए मैंने जो मिश्रण बनाया था तो उसमें धनिया पत्ती नहीं डाली थी मैंने, तो ये धनिया पत्ती मैंने मिला दिया था और इसकी गोलियां बना ली हैं छोटी छोटी, जैसे ऐसे ऐसे करके गोलियां बना ली हैं। ये तो सभी को आता होगा लेकिन बिगनर्स अगर हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। और ये 300 ग्राम करीब आलू था तो उसमें 20 गोलियां तैयार हुई हैं। तो चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार इस गोली को लेना है और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से इस घोल में डिप करना है, और उसके बाद फिर ये जो सेवई है इसके अंदर हमें इसी तरह से रोल करना है। ये देखिए और थोड़ा सा हाथ से इस तरह से इसमें और ज़्यादा चिपका देना है जिससे कि तेल में ये सेवई जाए नहीं, तो इस तरह से डालना है। इस समय आप आँच को थोड़ी धीमी ही रखें क्योंकि ये जल्दी जल्दी डलती नहीं है और बना के रख भी नहीं सकते। तो ये देखिए ये इस तरह से, ये जब हमने इसको डिप कर लिया सेवई में तो इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके और थोड़ा झाड़ते हुए ये डालना है। तो इसी तरह से हमें सारा डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने पूरी बैच तैयार कर दी है, जितना हमने तेल डाला उसी हिसाब से मैंने पीसेस डाले हैं। इसको धीरे धीरे, ये नीचे जा कर के चिपक जाता है थोड़ा सा, तो इसको धीरे धीरे ही निकालना है इस तरह से, किसी स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से धीरे धीरे करना, नहीं तो ये टूट जाते हैं थोड़े से। और बस एक बार जहाँ ये टाइट हो गए तो फिर ये मजबूत हो गए तो फिर नहीं टूटते, डेलिकेट से नहीं होते हैं ये। जैसे कुछ चीज़ें बहुत डेलिकेट होती हैं, धीरे धीरे करना होता है टूट जाते हैं, तो ये ऐसी डेलिकेट चीज़ नहीं है। बस एक बार शुरुआत में बस ये देखिए अब हल्का गुलाबी भी हो चला है। ये बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, इसलिए कि ये पहले ही हमने आलू पका के रखा था और सेवई भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं चाहिए। और कोटिंग भी इसमें बहुत पतली सी कोटिंग हुई है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस गोल्डन ब्राउन हो जाए बस, उससे ज़्यादा नहीं, और जल्दी ही हो जाएगा ये। और थोड़ा जल्दी जल्दी पलट लें। तो लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने बिल्कुल ये तैयार है नेट रोल हमारा। देखिए स्टाइलिश लग रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया सा कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। आप दोनों तरह की चटनियाँ मैंने रखी हैं, इसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और किसी भी खास मौके पर या खास आपके अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं उनको आप दीजिए, या जनरल भी बना के आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सिर्फ दिखता नहीं है ये, टेस्टी भी उतना ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी बन भी जाता है और कुछ खास इंग्रेडिएंट भी नहीं है इसके लिए, जो भी घर में होता है उसी से बन जाते हैं ये। तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। आप इसको ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके हमें ऑल भी कर दीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।